हमारी लिस्ट पे नंबर 5 पर है होनर प्ले। अगर आप हाई एंड गेम पसंद करते हैं तो ये फोन आपके लिए बेस्ट है। होनर प्ले में आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए काफी सारे फीचर्स है। फोन में Huawei का Kirin 970 प्रोसेसर है। ये एक 12 नैनोमीटर ऑक्टोकोर प्रोसेसर है जिसमें 4 कोर 2.63 GHz पर क्लॉक्ड है और 4 कोर 1.8 GHz की स्पीड पर मिलेंगे। इस प्रोसेसर की मदद से होनर प्ले परफॉर्मेंस के मामले में अपने से काफी ज्यादा प्राइस वाले फोन्स को भी अच्छी टक्कर दे सकता है। होनर प्ले में गेमर के लिए कई और सॉफ्टवेयर फीचर भी है। फोन में गेमिंग सूट भी डला आता है जो कि आपको अपने सारे गेम्स को रिकॉग्नाइज करके एक ही जगह से लॉन्च करने का ऑप्शन देती है। साथ ही इस ऐप में गेम एक्सेलरेशन और अनइंटरप्टेड गेमिंग भी ऑन कर सकते हैं। गेम एक्सेलरेशन आपके गेम को और बेहतर रन होने में मदद करेगा और अनइंटरप्टेड गेमिंग ऑन करने से नोटिफिकेशन आपके गेम्स को इंटरप्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको फोन के कुछ प्रीलोडेड गेम भी मिल जाएंगे जिसमें एसफॉल नाइट्रो और सोनिक रनर शामिल है। होनर प्ले पर आप पबजी हाई क्वालिटी सेटिंग पर खेल सकते हैं। होनर प्ले पबजी HDR ग्राफिक सेटिंग सपोर्ट करता है मगर इस फोन में अल्ट्रा HD सपोर्ट नहीं है, लेकिन फ्रेम रेट सेटिंग को आप अल्ट्रा पर रख सकते हैं। पबजी की हाई क्वालिटी सेटिंग पर भी होनर प्ले गेम को बहुत ही अच्छे से रन कर सकता है। गेमिंग प्ले बिल्कुल स्मूथ रहता है और लैग या फ्रेम रेट की परेशानियां भी देखने को नहीं मिलती है। होनर प्ले में 2340x1080 की रिजोल्यूशन का फुल HD+ डिस्प्ले है जिसका साइज 6.3 इंच का है। डिस्प्ले का कलर रिप्रोडक्शन और व्यूइंग एंगल काफी बढ़िया है जो कि आपके वीडियो और गेमिंग का मजा और भी बढ़ा देता है। लेटेस्ट हाई एंड गेम इस स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन नजर आते हैं मगर इस फोन का नॉच काफी वाइड है जो कि आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग लग सकता है। फोन आउट ऑफ बॉक्स EMUI 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है जो कि Android 8 Oreo पर बेस है। आप फोन को OTA अपडेट की मदद से EMUI 9 पर अपडेट कर सकते हैं जो कि Android 9 Pie पर बेस है। इन फीचर की मदद से होनर प्ले हमारे लिस्ट के सारे फोनों में सबसे अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देता है मगर होनर प्ले में काफी कमियां भी है जिसकी वजह से ये फोन हमारे लिस्ट में सिर्फ 5th नंबर पर ही आया है। होनर प्ले में 16+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा है और इसका फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। दोनों कैमरा एवरेज क्वालिटी के हैं, लो लाइट में भी बहुत सफर करते हैं और इनकी पिक्चर क्वालिटी भी काफी ब्लरी आती है। फोन की कैमरा ऐप में फीचर तो काफी सारे दिए गए हैं मगर वो कई बार अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। अगर आप फोटोज लेना पसंद करते हैं तो हम आपको हमारी लिस्ट के दूसरे फोन ज्यादा रिकमेंड करेंगे। फोन का डिजाइन काफी सिंपल है। हमारे लिस्ट के दूसरे फोन के मुकाबले ये सबसे बेसिक लुकिंग फोन है। फोन की बॉडी प्लास्टिक की है मगर फिर भी इस पर फिंगरप्रिंट के निशान बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। फोन के बड़े साइज के बाद भी इसमें सिर्फ 3750 mAh की बैटरी आती है जो कि लोअर रेंज वाले फोन के मुकाबले भी थोड़ी कम है। होनर प्ले हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले और पावरफुल प्रोसेसर इस बैटरी को काफी तेज से ड्रेन कर देता है। फोन की स्पेक रील बहुत ही छोटी है और वीडियो देखते या गेमिंग खेलते वक्त बहुत ही आसानी से कवर हो जाती है। एक गेमिंग फोन के लिए डिजाइन में बहुत ही बड़ी कमी है। फोन की सबसे बड़ी कमी इसका हीटिंग इशू है। फोन का प्रोसेसर बहुत पावरफुल तो है मगर बहुत ही आसानी से ओवर हीटिंग होने लगता है। सिर्फ कुछ ही मिनट की गेमिंग के बाद ही होनर प्ले दूसरे फोन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। ऐसा होने पर फोन अनकंफर्टेबल तो लगता ही है मगर फोन के परफॉर्मेंस पे भी बहुत ही असर पड़ता है। फोन की बॉडी इस हीटिंग इशू को कम करने के लिए डिजाइन नहीं करी गई है। ये फोन ओरिजिनली 20 and 23,000 के प्राइस के साथ रिलीज हुआ था मगर अब इसका 4GB रैम 64GB रोम वाले वेरिएंट की प्राइसिंग 13,999 है और 6GB रैम 64GB वाले वेरिएंट की प्राइसिंग 15,999 है। रिसेंट प्राइस ड्रॉप की वजह से ये हमारी लिस्ट में आ गया है। हमारी लिस्ट का अगला फोन इस प्राइस रेंज के सबसे हाई क्वालिटी डिस्प्ले के साथ आता है। तो दोस्तों नंबर 4 पर रहा सैमसंग गैलेक्सी M30। सैमसंग की नई एम सीरीज मिड टू लो रेंज बजट कैटेगरी में काफी अच्छे फोन इंट्रोड्यूस कर रही है। सैमसंग को फाइनली समझ आ गया है कि इस बजट रेंज के फोन में लोग क्या चाहते हैं और इसलिए उन्होंने इस सीरीज के फोन को काफी एग्रेसिव प्राइस पर रखा है। सैमसंग गैलेक्सी M30 का सबसे इंप्रेसिव फीचर तो इसका डिस्प्ले है। M30 में 6.4 इंच की सुपर एमोलेड फुल HD+ स्क्रीन दी गई है जिसका रिजोल्यूशन 2340x1080 है। ये हमारी लिस्ट के सभी फोन में से सबसे ज्यादा इंप्रेसिव डिस्प्ले है। इसका व्यूइंग एंगल तो शानदार ही है, साथ ही इसका कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है और इसमें कलर भी बहुत उभर कर आते हैं। M30 को आउटडोर यूज करने पर भी इसकी स्क्रीन कंफर्टेबली ब्राइट रहती है। इस स्क्रीन पर हाई क्वालिटी वीडियो और मूवी देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। सैमसंग गैलेक्सी M30 वाइड वाइन L1 सर्टिफाइड भी है, यानी आपके सारे फेवरेट शो और मूवी भी हाई डेफिनेशन में स्ट्रीम हो जाएंगे। फोन का डिजाइन बहुत ही अच्छा है। इसके बैक पर दो कलर ग्रेडियंट डिजाइन लुक दिया गया है और फ्रंट साइड पे इसके स्लिम बेजल और वाटर ड्रॉप नॉच की वजह से इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत ही अच्छा है जिसकी वजह से फोन को एक प्रीमियम लुक मिलता है।
इस तरह की बड़ी स्क्रीन बैटरी भी बहुत जल्दी ड्रेन कर सकती है, मगर सैमसंग गैलेक्सी M30 के 5000 mAh की बैटरी की वजह से आपको इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बैटरी के बड़े साइज की वजह से नॉर्मल यूज पर यह आपको इजीली 2 दिन तक बैटरी लाइफ दे सकती है और हैवी यूज करने पर भी बिना परेशानी के फुल डे चल सकती है। इतनी बड़ी बैटरी इंक्लूड करने के बाद भी फोन का थिकनेस काफी कम है और डिजाइन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गया है। M30 फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और सैमसंग का फास्ट चार्जर फोन के साथ बॉक्स में ही इंक्लूडेड आता है, यानी आप फौरन ही इसकी बैटरी का पूरा फायदा उठा सकेंगे। मगर ये भी ध्यान रखें कि ये फोन सिर्फ सैमसंग के चार्जर के साथ ही चार्ज करा जा सकता है, दूसरी कंपनीज के चार्जर इस फोन के साथ वर्क नहीं करते। M30 का कैमरा इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप दिया गया है। फोन में 13 MP का मेन कैमरा है जिसका अपर्चर f1.9 है। इसके अलावा f/2.2 अपर्चर का वाइड एंगल कैमरा भी है। इसका सेंसर सिर्फ 5 MP का है और फोन का थर्ड कैमरा 5 MP का है जो डेप्थ के लिए यूज होता है। सैमसंग गैलेक्सी M30 का मेन कैमरा डे लाइट में डिसेंट क्वालिटी की फोटो लेता है, मगर लो लाइट में थोड़ा स्ट्रगल करता है। स्पेशली इसका वाइड एंगल कैमरा लो लाइट में बिलो एवरेज परफॉर्म करता है। M30 में 16 MP का फ्रंट कैमरा है जिसका अपर्चर f/2.0 है। ये कैमरा फोन के इन्फिनिटी यू नॉच में लोकेटेड है। ये कैमरा काफी हाई क्वालिटी के शॉट लेता है और लो लाइट में भी आपको डिसेंट शॉट दे सकता है। M30 के कैमरा ऐप में आपको पोर्ट्रेट और ब्यूटी मोड के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। फोन का स्पीकर भी थोड़ा वीक है। इसमें सिर्फ एक मोनो स्पीकर ही दिया गया है जिसका साउंड आउटपुट कुछ खास नहीं है और फोन यूज करते समय ये आसानी से कवर हो जाता है। मगर अच्छी बात यह है कि फोन में 3.5 mm जैक इंक्लूडेड है, तो आप अपने हाई क्वालिटी एयरफोन इसके साथ इजीली यूज कर पाएंगे। फोन का फिंगरप्रिंट रीडर एवरेज क्वालिटी का है। इसकी स्पीड ओके है, मगर इसकी एक्यूरेसी काफी हिट एंड मिस हो सकती है। M30 में Exynos 7904 प्रोसेसर यूज किया गया है जो कि सैमसंग का कस्टम प्रोसेसर है। ये एक 14 nm ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जिसके 2 कोर 1.8 GHz पर क्लॉक्ड है और 6 कोर 1.6 GHz पर क्लॉक्ड है। इस प्राइस सेगमेंट पर यह प्रोसेसर थोड़ा वीक लग सकता है, मगर सैमसंग का OS और फर्स्ट पार्टी ऐप इस पर बहुत ही स्मूथली परफॉर्म करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ऐप में आपको शायद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को ना मिले। फोन में PUBG की सेटिंग सिर्फ HD तक ही जाती है। बिजी गेम प्ले के दौरान आपको थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, मगर कम डिमांडिंग गेम खेलने में आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी M30 में रिसेंटली 1000 का प्राइस ड्रॉप आया है, तो अब इसका 4GB रैम 64GB रोम वाले वेरिएंट की प्राइसिंग 13,990 है और 6GB रैम 128GB रोम वाले वेरिएंट की प्राइसिंग 16,990 है। सैमसंग M30 की प्राइसिंग वैसे उसके कॉम्पिटिटर से थोड़ी ज्यादा है, मगर ये भी ध्यान रखें कि इस फोन के साथ आपको सैमसंग की हाई क्वालिटी आफ्टर सेल सर्विस और सपोर्ट भी मिलता है। सैमसंग का आफ्टर सेल सर्विस इंडिया में सबसे हाई क्वालिटी का है, जिसको कई बड़ी कंपनीज भी टक्कर नहीं दे पाती है और स्पेशली इस प्राइस रेंज के दूसरे कंपनीज से बहुत आगे है, यानी आपको इस फोन के साथ क्वालिटी और सर्विस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। हमारे लिस्ट का अगला फोन दूसरी बार रिटर्न आ रहा है। पिछली बार ये हमारा नंबर 1 बेस्ट स्मार्टफोन था और इतने सारे नए फोन आ जाने के बाद भी इस प्राइस रेंज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। ये फोन अपने 48 MP कैमरा और एग्रेसिव प्राइसिंग के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, नंबर 3 पर है Redmi Note 7 Pro। ये फोन Redmi की पॉपुलर नोट सीरीज का सबसे लेटेस्ट मॉडल है। ये सीरीज under 15,000 की रेंज में हमेशा से बहुत ही पॉपुलर रही है। नोट 7 प्रो के साथ Xiaomi ने अपना नया ऑरा डिजाइन भी इंट्रोड्यूस किया है। फोन के बैक पर स्टाइलिश 2.5D ग्रेडियंट डिजाइन है, जिसके ऊपर गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्शन भी दिया गया है, यानी आपको लुक के साथ साथ प्रोटेक्शन भी मिलेगा। Redmi Note 7 Pro में डुअल बैक कैमरा सेटअप है। इस फोन में 48 MP का मेन कैमरा है जिसका अपर्चर f/1.8 है और 5 MP का सेकेंडरी डेप्थ सेंसर कैमरा है जिसका अपर्चर f/2.2 है। फोन का मेन कैमरा इसके सबसे इंप्रेसिव फीचर में से एक है। इस प्राइस रेंज में यह आज तक का सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी सेंसर है। ये सेंसर आपको छोटी से छोटी डिटेलिंग कैप्चर करने में मदद करता है और इसका कलर रिप्रोडक्शन भी बहुत ही अच्छा है। मगर 48 MP की फोटो सिर्फ एक स्पेशल मोड में ही ली जा सकती है। इस मोड में ना होने पर फोन सिर्फ 12 MP की ही फोटोज लेता है। इसकी वजह से 48 MP का कैमरे का यूज काफी लिमिटेड सिचुएशन में ही हो पाता है। नोट 7 प्रो में 13 MP का सिंगल फ्रंट कैमरा है जिसका अपर्चर f/2.0 है। फोन की कैमरा ऐप में ब्यूटी और पोर्ट्रेट मोड भी दिया गया है, मगर इसका पोर्ट्रेट मोड थोड़ा हिट एंड मिस हो सकता है। फोन में फुल HD प्लस स्क्रीन दी गई है जिसका रिजोल्यूशन 2340x1080 है। ये स्क्रीन फोन के बैक की तरह गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है और आपको मिनिमम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देने के लिए डॉट नॉच के साथ डिजाइन करी गई है। फोन में 4000 mAh की बैटरी दी गई है और नोट 7 प्रो क्विक चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, मगर इसके साथ क्विक चार्जर इंक्लूड नहीं आता है, यानी आपको इस फीचर का फायदा उठाने के लिए Xiaomi का क्विक चार्जर परचेस करना पड़ेगा, जो कि इस फोन के प्राइस के ऊपर से एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड कर देता है। फोन में USB टाइप सी पोर्ट भी दिया गया है और साथ में हेडफोन जैक भी दिया है। Redmi Note 7 Pro P2S Flash Proof Certified भी है,
यानी थोड़ा बहुत गीला होने पर भी आपके फोन के डैमेज होने का कोई खतरा नहीं है। Note 7 Pro में Xiaomi ने Snapdragon 675 यूज किया है। ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जिसके 2 कोर 2 GHz पर क्लॉक्ड है और 6 कोर 1.6 GHz पर क्लॉक्ड है। फोन की परफॉर्मेंस डे टू डे यूज में अच्छी है और हैवी यूज पे हमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। Redmi Note 7 Pro MIUI 10 के साथ आता है जो कि Android के लेटेस्ट वर्जन पर बेस्ड है। MIUI वैसे तो काफी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मगर इसमें जगह जगह आने वाले ऐड की वजह से फोन को यूज करने का एक्सपीरियंस बिगड़ जाता है। Redmi Note 7 Pro 4 कलर ऑप्शन के साथ आता है, Nebula Red, Nature Blue, Space Black और रिसेंटली लॉन्च हुआ Moonlight Astro White। ये फोन 3 वेरिएंट के ऑप्शन के साथ आता है जिसमें 4GB RAM 64GB वाले वेरिएंट के प्राइसिंग 13,999 है, 6GB RAM 64GB ROM वाले वेरिएंट के प्राइसिंग 15,999 है और 6GB RAM 128GB ROM वाले वेरिएंट के प्राइसिंग 16,999 की है। बेजल लेस फोन की रेस में सारी कंपनी नॉच वाले डिस्प्ले डेवलप कर रही है, मगर हमारा अगला फोन सबको पीछे छोड़कर एक नए ट्रेंड की शुरुआत कर रहा है। इस फोन ने अंडर 15,000 बजट सेगमेंट में पंच होल डिस्प्ले इंट्रोड्यूस करके सभी को इम्प्रेस कर दिया है। तो दोस्तों, नंबर 2 पर है Vivo Z1 Pro। Vivo Z1 इस सीजन के सभी पॉपुलर फोन में से एक बन चुका है। इसका पंच होल डिस्प्ले इसको एक यूनिक लुक देता है और फोन यूज करने का एक्सपीरियंस बेहतर करता है। Vivo ने इस फोन के लुक को और बेहतर बनाने के लिए फोन के बैक को बहुत ही बढ़िया से डिजाइन किया है। इसके बैक पर ग्रेडियंट डिजाइन दिया है जो कि रिफ्लेक्टिव मटेरियल से बनाया है, जो कि फोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक देता है। पंच होल डिस्प्ले होने की वजह से Z1 Pro को करीब 91% का शानदार स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। फोन में 6.3 इंच की LCD स्क्रीन है जिसका रिजोल्यूशन 2340x1080 है। इस डिस्प्ले पर वीडियो देखने का एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा है और इसके हाई ब्राइटनेस की मदद से आप इसे आउटडोर भी आसानी से यूज कर सकते हैं। मगर Vivo ने गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करा है, यानी आपके स्क्रीन पर स्क्रेचेस आने का और आसानी से ब्रेक होने का खतरा ज्यादा है। Z1 Pro का ट्रिपल कैमरा सेटअप इस प्राइस पॉइंट पर बहुत ही इंप्रेसिव है और इस फोन की पॉपुलैरिटी की बड़ी वजह है। फोन का मेन कैमरा 16 MP का है और f/1.8 अपर्चर का है। इसके साथ 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेकेंडरी कैमरा है और इसका थर्ड कैमरा 2 MP का है जो कि डेप्थ सेंसर के लिए यूज होता है। मेन कैमरे की क्वालिटी काफी अच्छी है और ये आपको हमेशा हाई क्वालिटी फोटो देता है। साथ ही फोन का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी डिसेंट शॉट ले लेता है। फोन का फ्रंट कैमरा भी बहुत हाई क्वालिटी का है। फ्रंट कैमरा में 32 MP का सेंसर यूज करा गया है जिसका अपर्चर f/2.0 है। फोन की कैमरा ऐप कई सारे फीचर के साथ आती है जो आपको कई तरह के फोटोज लेने में मदद करेगी। Vivo Z1 Pro के बैक पे दिया गया फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट है और थोड़ा डस्ट या पानी होने पर भी इसको कोई परेशानी नहीं आती है। फोन में 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो कि आपको काफी लंबा स्क्रीन ऑन टाइम देगी। साथ ही Z1 Pro फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, मगर फोन में टाइप सी पोर्ट नहीं है, तो ये ध्यान रखें कि आपकी टाइप सी एसेसरीज इसके साथ कंपेटिबल नहीं होगी। Z1 Pro की स्पीकर क्वालिटी कुछ खास नहीं है, मगर फोन में 3.5 mm जैक है और इसके साथ एयरफोन भी इंक्लूड आता है। इसके साथ साथ आपको बॉक्स में फास्ट चार्जर भी मिल जाएगा। आजकल ज्यादातर कंपनीज फोन की कॉस्ट कटिंग करने के लिए हेडफोन्स और फास्ट चार्जर इंक्लूड नहीं करती है, मगर Vivo का इन एक्सेसरीज को फोन के साथ इंक्लूड करना हमें बहुत अच्छा लगा है और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरी कंपनीज भी इन्हें फॉलो करेगी। परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन पीछे नहीं है। Z1 Pro इंडिया का पहला फोन है जो Snapdragon 712 प्रोसेसर के साथ आता है। ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जिसके 2 कोर 2.3 GHz पर क्लॉक्ड है और 6 कोर 1.7 GHz पर क्लॉक्ड है। ये प्रोसेसर आसानी से सारे गेम हैंडल कर लेता है और फोन चलाने का एक्सपीरियंस भी स्मूथ रखता है। PUBG के ग्राफिक सेटिंग सिर्फ HDR तक ही सपोर्ट करता है, मगर इसके लिए HDR सेटिंग जल्दी अवेलेबल होने वाली है। PUBG का गेम प्ले बहुत स्मूथ और हाई फ्रेम सेटिंग पर भी हमें कोई लैग देखने को नहीं मिलता है। फोन का पंच होल कैमरा गेम खेलते वक्त नोटिसेबल भी नहीं रहता है। Z1 Pro Vivo के फन टच OS के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड के लेटेस्ट वर्जन पर बेस्ड है। फन टच OS बहुत सारे यूजलेस फीचर और एप्स के साथ आता है, साथ ही इसकी UI काफी कंफ्यूजिंग है और लुक के मामले में भी कुछ खास नहीं है। OS कई कई छोटी प्रॉब्लम की वजह से फोन यूज करने का एक्सपीरियंस भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग बना सकता है। Vivo के Z1 Pro के 4GB RAM 64GB ROM वाले वेरिएंट की प्राइसिंग 14,990 है। अगर आप 15,000 के बजट के ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको दो और ऑप्शन मिल जाएंगे। 6GB RAM 64GB ROM वेरिएंट की प्राइसिंग 16,990 है और 6GB RAM 128GB ROM की प्राइसिंग 17,990 है। ये फोन आपको 3 कलर ऑप्शन में मिल जाएंगे, सोनिक ब्लू, सोनिक ब्लैक और मिरर ब्लैक। तो दोस्तों, अब बारी आ गई हमारे लिस्ट के नंबर 1 फोन की। ये साल सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड फोन में शामिल था और रिलीज के बाद इसको बहुत ही हाई सपोर्ट देखने को मिला।
इस फोन ने हमारे पिछले नंबर वन फोन Redmi Note 7 Pro को भी पीछे कर दिया है। ये एक ऑलराउंडर फोन है जो कि हर कैटेगरी में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी देता है। बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 है Realme 3 Pro। Realme अफोर्डेबल प्राइस पर हाई क्वालिटी फोन निकालने की वजह से सिर्फ एक साल में ही इंडिया की टॉप ब्रांड में से एक बन गई है। 3 Pro के साथ Realme ने दिखा दिया है कि वो अंडर 15,000 के बजट में रहते हुए भी एक पावरफुल ऑलराउंडर पैकेज बना सकती है। Realme 3 Pro के बैक पर ग्रेडियंट डिजाइन के साथ एक यूनिक पैटर्न यूज करा गया है जो कि फोन को एक यूनिक लुक देता है। इस डिजाइन को Realme ने स्पीडवे डिजाइन का नाम दिया है। फोन में 6.3 इंच का फुल HD प्लस यू ड्रॉप डिस्प्ले है जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.8% है। डिस्प्ले की साइड बेजल बहुत ही पतली है और फोन को प्रीमियम लुक देती है। स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए Realme ने गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन भी यूज किया है। Realme 3 Pro कैमरास में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है और आपको हर बार शार्प इमेज देता है। फोन में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका मेन कैमरा 16 मेगापिक्सल का है जिसका अपर्चर f/1.7 है और सेकेंडरी कैमरा 5 मेगापिक्सल का है जिसका अपर्चर f/2.4 है। इसके कैमरे का कलर रिप्रोडक्शन और डायनेमिक रेंज बहुत ही अच्छी है। कैमरे की ऐप थोड़ी बेसिक है मगर पोर्ट्रेट और क्रोमा बूस्ट जैसे फीचर ऑफर करती है। फोन का फ्रंट कैमरा भी बहुत ही हाई क्वालिटी का है और आपको किसी भी लाइटनिंग कंडीशन में शानदार फोटोज लेने में मदद करेगा। इसका फ्रंट कैमरे में Realme ने 25 मेगापिक्सल का सेंसर यूज किया है जिसका अपर्चर f/2.0 है। Realme 3 Pro में Oppo का नाइट स्केप मोड भी दिया गया है जो आपको लो क्वालिटी में भी परफेक्ट पिक्चर लेने में मदद करता है। साथ ही फोन में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और ये 90fps सुपर स्लो मोशन वीडियो भी बना सकता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो Realme 3 Pro में Snapdragon 710 चिपसेट यूज करा गया है। 710 octa-core 10 nanometer प्रोसेसर है जिसके 2 कोर 2.2 GHz पर क्लॉक्ड है और 6 कोर 1.7 GHz पर क्लॉक्ड है। डे टू डे यूज में हमको परफॉर्मेंस प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है और डिमांडिंग गेम्स को भी फोन इजीली हैंडल कर लेता है। पबजी खेलते समय हमें फोन में कोई भी ओवरहीटिंग या लैग इशू देखने को नहीं मिला है। फोन में गेमिंग बूस्ट मोड भी दिया गया है जो फोन के प्रोसेसर को बूस्ट करके आपको और बेहतर परफॉर्मेंस देने में मदद करता है। Realme 3 Pro में 4045 mAh की बैटरी दी गई है। फोन में वुक 3.0 फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है और आपको Realme का फास्ट चार्जर बॉक्स में इंक्लूडेड मिलता है जिसकी मार्केट प्राइस 1000 rupees है। फोन में माइक्रो USB पोर्ट यूज करा गया है यानी अगर आपके पास टाइप सी एसेसरीज है तो वो आप Realme 3 Pro के साथ यूज नहीं कर पाएंगे। टाइप सी पोर्ट का ना होना थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है और हम उम्मीद करते हैं कि Realme आने वाले सभी फोनों में इसे इंक्लूड करना शुरू कर दे। फोन कलर OS 6 के साथ आता है जो कि Android Pie पर बेस्ड है। Oppo का कलर OS 6 थोड़ा बेसिक फील होता है और ज्यादा फीचर के साथ नहीं आता है मगर Realme ने अपना नया Realme OS अनाउंस कर दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो Realme के सारे नए फोन के लिए जल्दी ही लॉन्च होगा। Realme 3 Pro का 4GB RAM 64GB वर्जन की प्राइसिंग 13,999 है और इसका 6GB RAM 64GB ROM वेरियंट 15,999 में अवेलेबल है। अगर आप और ज्यादा स्टोरेज स्पेस चाहते हैं तो इसका 6GB RAM 128GB ROM वर्जन आपको 16,999 में मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन सेल का इंतजार करें तो आपको ये फोन और बेहतर प्राइस पर भी मिल सकता है। Realme 3 Pro के सारे वेरिएंट स्पेशल ऑफर में 1000 rupees ऑफ पर मिल सकते हैं। Realme 3 Pro में डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है यानी अगर आप लो स्टोरेज वाला वर्जन भी लेते हैं तो आगे चलकर SD कार्ड से इजीली स्टोरेज एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा Realme 3 Pro सच में ऑलराउंडर फोन है और इस प्राइस सेगमेंट में ट्रूली बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन है। इसके शानदार स्पेसिफिकेशन बढ़िया परफॉर्मेंस और ढेर सारे फीचर के साथ रीजनेबल प्राइस की वजह से ये बेस्ट फोन अंडर 15,000 बना है। तो दोस्तों ये था हमारे टॉप 5 बजट स्मार्टफोन अंडर 15,000। डिस्क्रिप्शन में सारे फोन की लिंक दी गई है जो कि आपको सीधे स्टोर के पेज पर ले जाएगी जहां से आप फोन की सारी डिटेल देख सकते हैं और उन्हें ऑर्डर भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा हमारे लिस्ट में फोन की काफी वैरायटियां थी। चाहे आपके कुछ भी रिक्वायरमेंट हो आपको अपनी पसंद का फोन मिल ही जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर करें। आपका फेवरेट फोन कौन सा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। साथ ही अगर आपके पास कोई वीडियो की रिक्वेस्ट या सजेशन हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आप नए फोन के अनबॉक्सिंग रिव्यू टेस्ट और बेस्ट फोन की लिस्ट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर दबाना ना भूले ताकि आपको हमारी नई अपलोड की नोटिफिकेशन